them to give their video messages. Can you please Namaskar. परम आदरणीय गुरुजनों एवं बुद्धा के सभी सम्मानित आप लोगों में से अधिकतर सदस्यों से मैं परिचित हूँ और जिनसे नहीं हूँ उनको बताना चाहता हूँ कि मैं गोपाल अग्रवाल जियोलॉजी डिपार्टमेंट MSc 1996 का सदस्य हूँ और कुछ प्रीवियस कमिटमेंट की वजह से मैं आज आप सबके बीच में उपस्थित नहीं हो पाया हूँ, जिसका मुझे खेद है। मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि अपने बैच में मैं ही अपने आदरणीय गुरु प्रोफेसर के अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में PhD कर पाया और अपने गुरुजनों का स्नेह और आशीर्वाद मेरा एक मुख्य प्रेरणा स्रोत है कि मैं आज अपनी जगह हूँ। हमारे लुप्ता द्वारा आयोजित MSc बैच के सिल्वर जुबली आयोजन पर मैं अपने पूरे बैच की तरफ से एक बार फिर से अपने सभी सम्मानित गुरुजनों का नाम लेकर उनका हमारे प्रति स्नेह प्रकट करना चाहता हूँ। हमने जब 1994 में MSc में एडमिशन लिया उस समय प्रोफेसर SK सिंह साहब हेड थे और उसके बाद प्रोफेसर IV सिंह सर, एस कुमार सर, जौहरी सर, नौटियाल सर, जो कि आज हमारे बीच नहीं है। मैं आज अपने पूरे बैच के साथ उन सबको सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं अपने को विशेष भाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने विमल साहब को भी डिपार्टमेंट आते देखा। आज हमारे सिल्वर जुबली कार्यक्रम में उपस्थित गुरुजनों प्रोफेसर MP सिंह सर, AK श्रीवास्तव सर, जिनको हम सब लोग प्यार से पापा जी भी कहते हैं, भट्टाचार्य सर, छाबड़ा सर, अवस्थी सर, भूति राय साहब, बली सर और मुनेन सिंह सर ने हमको पढ़ाया और समय समय पर न सिर्फ प्रोफेशनल बल्कि पर्सनल रूप से भी अपना सहयोग हमेशा प्रदान किया। हम अपने सन्नों के स्वस्थ एवं प्रसन्न जीवन की कामना करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वर्तमान विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अजय मिश्रा जी का, जिन्होंने एक शिक्षक ही नहीं बल्कि एक अभिभावक के रूप में हमेशा मेरा सहयोग किया। यहाँ पर मैं आज रुसेन भाई साहब का विशेष रूप से नाम लेना चाहता हूँ, जिन्होंने एक दोस्त और बड़े भाई के रूप में हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया और हौसला बढ़ाया। मेरे शोध के समय हम लोग किशोर की दुकान पर चाय पीने जाते थे और चाय के साथ अगर खस्ता, समोसा और छोला मिल जाता था तो वही हमारी दावत कहलाती थी। आज मैं अपने MSc बैच के साथियों का भी नाम लेना चाहता हूँ, जिसमें आशीष, रोहितास आर्या, हरीश, आलोक, पंकज, धीरेश, ऋषि, पवन, विभास, रविदत्त, धीरेन्द्र, विपुल, पीयूष, कृष्णा, आशीष श्रीवास्तव, इंद्रजीत और सुरेंद्र। इनमें से अधिकतर साथी अभी भी हमारे संपर्क में हैं। मैं समझता हूँ कि सभी अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं सभी के उज्जवल भविष्य तथा स्वच्छ जीवन की कामना करता हूँ। आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपने विभाग के सभी वर्तमान तथा निवर्तमान कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने समय समय पर सदैव हमारा सहयोग किया, जिसमें नंदकिशोर जी, मनोज जी, राजीव और सभी को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर मैं विशेष रूप से मायाराम जी का नाम लेना चाहता हूँ, जो हमारे डिपार्टमेंट में रात में रहते थे और मेरे शोध के समय जब मैं रात में रह के कुछ काम करता था तो चाय मिलना कठिन था, तो मायाराम जी के घर से रात में बकरी के दूध और गुड़ से बनी हुई चाय आती थी मायाराम जी के लिए, तो मायाराम हमेशा मेरे साथ शेयर करके पीते थे, जिसका मैं हमेशा ऋणी रहूंगा मायाराम जी का। और इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। रिस्पेक्टेड टीचर एंड कलीग्स, माय नेम इज आशीष चौधरी एंड आई एम फ्रॉम 1996 बैच। Good evening and a very warm welcome to everyone on the memorable occasion of our 25th silver anniversary of 1996 batch meet hosted by me. It is really a heartening to meet everyone after 25 years and a special thanks to Linda for arranging this meet. It is an honor to be a part of your geology department where we have been groomed by our respected mentors and teachers on our learning and knowledge transformation journey. This has indeed given us enormous recognition across
across the various scientific and industrial organizations, both nationally and globally, wherever we thrive. This esteemed institution has been a fundamental pillar of learning for all professionals it has nurtured throughout its establishment, and we all are cherished by this. Today, I am taking the privilege to peek into the history and look back and express my gratitude to respected teachers and guides who have mentored us to survive these tough competitive times. I am sincerely thankful to Professor Vibhuti Rai, who helped me significantly to enter into the world of academics in the year 1996. Late Professor Jory and Ivy Singh sir made me understood on the advancement part of microparentology and sedimentology, which helped me a lot during my drafting of research. A special thanks to Professor A.R. Bhattacharya, Professor M.P. Singh, Munendra Singh sir, and Dr. D.V. Avasthi, without whom our steep learning curve would have been high. Dr. Joseph Singh required a special mention here, who had been extending moral and scientific support to us during tough waters. My sincere thanks to Professor Ajay Mishra for organizing this event, where all my dear students can have a pleasure to meet at the site with each other, both physically and virtually, and run through the golden memory lanes of geology department during recent past. Thank you. I would request my colleagues to share their experiences. Vipul. Good evening, friends. Respected MP sir, my ED sir, Vibhuti Rai sir, my senior colleagues, my dear friends, and my juniors. मुझे इस फंक्शन की जानकारी दो तीन दिन पहले एकदम से दो फोन कॉल से मिली. एक मुझे फोन कॉल आया परमजीत से और एक फोन कॉल आया मेरा गोपाल अग्रवाल से. कैसे एकदम से 25 साल पुरानी चीजें एकदम दिमाग के सामने घूम गई मुझे पता ही नहीं चला. और दोनों ही फोन कॉल पे मैं कह ही नहीं पाया कि मैं आऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा. 25 साल जब मैं आज डिपार्टमेंट आया तो जैसे एक एक कोना, एक एक लैब, एक एक चीज हमारे 25 साल पुरानी की यादों को एकदम ताजा कर गया. ये समय कितनी जल्दी कैसे निकल गया, जैसे लगता है कि कल की बात हो. हम लोग यहाँ पर आते थे, पढ़ते भी थे, मस्ती भी करते थे, अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करते थे, चीजों को सीखते भी थे. हमारे टीचर्स ने हम लोगों को अपनी इस प्रेजेंट लाइफ में, प्रेजेंट पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में क्या योगदान दिया, वो सब चीज़ एकदम से हमारे आंखों के सामने आ गई. समय उस समय का कुछ और था. जब एम एस सी करके निकले, शायद जियोलॉजी पढ़ने के बाद भी जियोलॉजी में अपना कैरियर नहीं बना पाए, उसका कुछ कारण थे. उस समय एवेन्यूज उस समय नहीं मिलते थे, इतने नहीं थे कि हम लोगों को डिफरेंट स्ट्रीम चूज करनी पड़ गई. मोस्ट ऑफ द अस आर नाउ नॉट अटैच्ड टू जियोलॉजी, हार्डली 1 or 2 पर्संस आर देयर. दो जियोलॉजी इज माय ब्लड. माय फादर वाज अ जियोलॉजिस्ट, माय ब्रदर इज आल्सो जियोलॉजिस्ट. पापा जियोलॉजी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में थे, वहां से रिटायर हुए थे लेटर उनको मार्शल. फिर भी अभी भी जब भी हम किसी फील्ड पे जाते हैं, आई ऑल्सो हैव ए फील्ड जॉब एज ए बैंकर, तो जहाँ पर कभी कोई रॉक दिखती है, कभी कुछ टेरियन दिखता है, तो अपने कलीग के साथ हम वी इमिजिएटली बिकम जियोलॉजिस्ट और बताने लगते हैं कि देखो ये ग्रेनाइट है, ये इग्नियस रॉक है, इसमें तुम्हें स्फेराइडल वेदरिंग दिख रही है, इस तरह की चीज़ें. क्योंकि वो हमारे, हमने अपने उसको जिया भी है और अच्छी तरह से उतारा भी अपने लाइफ में. और वो जो 6 साल थे जो हमने इस कैंपस में बिताए, उसने हमारी पर्सनैलिटी को एक नया आयाम दिया, नया ऊंचाई दी.
जिसके कारण आज हम जहां पर हैं वहां पर मौजूद हैं। आई वुड लाइक टू थैंक फ्रॉम माई बॉटम ऑफ माई हार्ट टू ऑल माई टीचर्स, मेंटर्स, माई सीनियर कलीग्स, माई फ्रेंड्स, माई आप जिसको भी कहिए, जिन्होंने हमारी लाइफ को शेप करने में बहुत 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 योगदान दिया है। वाकई ये 25 साल कैसे रहे आज जब सोचते हैं तो लगता है इसमें मेरा बहुत, इस डिपार्टमेंट का बहुत योगदान रहा है। आशा करता हूँ कि 2045 में जैसे परमजीत ने कहा, सी व्हाई आई एम सेइंग परमजीत एंड गोपाल, मेरा मैं दोनों ही बैच से एसोसिएटेड था। मैंने बीएससी 93 में किया था इन लोगों के साथ और एमएससी मैंने इन लोगों के साथ 96 में किया था। देयर वाज अ गैप ऑफ 1 ईयर, दैट इज व्हाई। तो मुझे तो लगता है कि मैं पूरे अभी यहाँ जो बैठे हैं जितने लोग, उनसे बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर पा रहा हूँ। आगे मैं बहुत समय नहीं लूँगा। थैंक यू फॉर वेरी मच। थैंक यू। Respected seniors, most respected teachers and respected seniors and pioneer juniors, 25 साल पहले हम almost 25 के थे और हमारा बैच अगर आप देखिए सारे, मतलब कोई फीमेल नहीं, इससे पहले वाले बैच में देखा था और आप देखिए पूरे मुंडे हैं एंड वी हैड फुल मस्ती। बट गुड पॉइंट्स, मतलब हम जो रिमेंबर करते हैं वो यही है कि अग्रवाल सर का बहुत खौफ था एज यूजुअल। मुझे याद है फर्स्ट ईयर में ही हम लोगों को टेबल पे बैठा के एंड यूज्ड टू से कि इसका टिप कितना है बताओ, और जो नहीं बता पाता था उसको कहते थे आप क्लास से बाहर जाइए। नहीं तो उसमें एक हमारे साथ क्या हुआ कि हमसे पूछा इसका कितना है, तो जो कि उस समय बताया होगा 30% बैठ जाए, तो बैठ फिर इधर घूम घाम क्या है, फिर लिटरली फिर हमसे पूछा इसका टिप कितना होगा, तो मैंने कहा सर 30%, ठीक है बैठ जाओ। फिर तीसरी बार पता नहीं क्या हुआ, किस्मत खराब थी कि वही क्वेश्चन हम फिर तीसरी बार मैंने पूछा कितना होगा, मैं उठा और बाहर निकल आया। और भट्टाचार्य सर ने एक बहुत अच्छी बात पढ़ाई और वो कुछ चीजें जैसे है ना 25 साल बाद भी याद रह जाती है। उन्होंने बताया एजुकेशन का मतलब क्या होता है, और उन्होंने तब बताया जब वो पढ़ाना शुरू किए थे अपना स्ट्रक्चरल जियोलॉजी अगर वो पढ़ाते थे, कहता है उन्होंने कहा एजुकेशन वो नहीं है कि जो तुम पढ़ रहे हो, एजुकेशन वो है जो तुमने पढ़ा उसके बाद जितना तुम भूल जाओगे और जो बचा रह जाएगा वो इंक्रीमेंटली कम होता जाएगा, बट जो बचा रह जाएगा ना एक्चुअली दैट इज एजुकेशन। हम मास्टर्स है या जो भी है बट जितना याद है That is education. So education का मतलब he said that be good, respect करो और life को enjoy करो। I think किसी भी sphere में जाओ, चीजें याद करो, उनको remember करके educate हो, अपनी life में आगे बढ़ो। That is basically education. Thank you very much. सभी को नमस्कार, especially इस लुप्ता परिवार यानी लुप्ता सदस्य को बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोगों को इस समय ऑनर्स के लिए कॉल किया है। और 25 साल बाद ये एक ऐसा समय आता है जब आप देख रहे हैं कि सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं और एक दूसरे से मिलकर कहाँ कहाँ लोग से मैंने कहा उनको इकट्ठा किया, कहीं दिल्ली से, नोएडा से और कलकत्ता से, सब इतना मतलब मेहनत करके इकट्ठा किया और फोटो कलेक्ट की, और इस समय जो है आप देख पा रहे हैं हम सभी को। तो ये सब ये लुप्ता परिवार यानी लुप्ता सदस्यों की वजह से हो पाया है, और स्पेशली मैं अपने गुरुजनों का धन्यवाद देना चाहूँगा जिस समय हम लोगों को एमएससी में पढ़ाया, प्रोफेसर एमपी सिंह साहब, परेश साहब, रुति राय साहब और नटियाल साहब, एस के सिंह साहब और प्रोफेसर आईवी सिंह साहब, और सबसे स्पेशल थैंक्स हम अपने गुरुजन यानी सुरेंद्र साहब का धन्यवाद जो अभी इस समय हमारे बीच नहीं है, मैं उनका बहुत आभारी रहूँगा। जिसमें मैंने 95-96 में एमएससी पास आउट किया, उसमें मैं मुझे उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया जिस समय, और उस प्रोजेक्ट से हमें इतना मतलब हम जुड़े रहे 96-97-98 तक, और फिर उसके बाद जीएसआई ने एग्ज़ाम दिया और फिर उसमें, तो उनका इस समय उस समय बड़ा बहुत बड़ा रोल था,
और उस पर लैब हुआ करती थी जिसमें कि मैडम पूना पटेल साहब और उसमें सर्च किया करती थी, और वो लैब जो है अभी भी याद है मुझे। तो उनका बहुत बड़ा रोल है जीएसआई में। मैं आया, मेरा एक ऐसा बैच था जिसमें कि 22 लोग थे और मैं ही एक ऐसा स्टूडेंट्स रहा कि सिलेक्ट हुआ उसमें, और बाकी कहीं ना कहीं सभी जगह अच्छे लोग हैं, अच्छी जगह हैं। तो एक जियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट्स है, मतलब एक ऐसा मैं समझता हूँ कि सभी लोग इससे हर साल जुड़े ही रहते हैं, मतलब कभी कोई से अलग नहीं होता है। तो एक बड़ा बहुत बड़ा सौभाग्य हम लोगों का, और सबसे बड़ा जो करेक्टर पीछा था हम लोग का नसीब बैच का, कोई भी लड़कियां नहीं थी। ये कभी आपने देखा नहीं होगा किसी क्लास में लड़कियां। तो अभी भी लोग कहते हैं कि यार बड़ी किस्मत खराब थी। तो ये बड़ा सुन करके लोग बड़ा हंसते हैं। तो मैं एक ही वो भी एमएससी वन से लेकर के चली गई, वो देखा कि अरे आप लोग लड़के लड़के हैं, शायद एमएससी करते करते हो। ठीक है, मैं अपना समय यही करता हूँ, आगे हूँ आया हूँ। ठीक भाई बंधु दिल का दर्द बोल दिया। और शायद यही रीजन है जिसकी वजह से हमको लगता है कि आज ये सारे यहाँ पर आए हैं। देखिए ना कितने जैसे क्लास करने आए राइट। तो मैं चाहूंगा कि ऋषि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम, और साथियों को प्रणाम और प्यार। सभी को जूनियर्स को सारी ब्लेसिंग की वो आगे बढ़े और अपने अपने अच्छे मुकाम को हासिल करें। जीओजी में एडमिशन लिया दो रीजन, एक तो मेरा एकेडमिक इंडेक्स बड़ा अच्छा नहीं रहा ग्रेजुएशन हाई स्कूल से ग्रेजुएशन के बीच में। वो पता चला जब मेरी पहली क्लास रास्तों सर के साथ थी, उन्होंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में एक एक करके सबको खड़ा किया, खड़े हो और हाई स्कूल से अभी तक ग्रेजुएशन तक क्या आपका रिकॉर्ड है वो बोलो। तो मजबूरी थी, बारी मेरी भी आनी थी और मेरी बारी आई। सर हाई स्कूल फर्स्ट डिवीजन, इंटर सर सेकेंड, ग्रेजुएशन सर थर्ड। तो नहीं एक्चुअली तो उन्होंने बोला कि अभी क्या विचार है। तो मैंने बोला कि सर देखिए कायस फैमिली से बिलोंग करता हूँ और सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है भाई कितना पढ़े हो और आपकी पोजीशन क्या थी। तो मैंने कहा कि सर ये लास्ट चांस है कि हम अपने इंडेक्स को सही कर सकते हैं। और ठीक है गाइडेंस अच्छा मिला, टीचर सारे अच्छे थे, ऐसा नहीं ग्रेजुएशन में अच्छे नहीं थे, पर एक साथ भी अच्छा मिला और ग्रेजुएशन के बाद पीजी मेरे इंडेक्स को सही किया और आगे फर्स्ट डिवीजन। कम से कम बोलने में अच्छा लगता है कि क्या फर्स्ट डिवीजन है सर, एमएससी जूलॉजी कौन सी डिवीजन है जी फर्स्ट, फिर पीछे कोई पूछता नहीं। तो अच्छा दूसरा चीज ये था कि जॉब ठीक है जियोलॉजी में नहीं हुई, सबकी अलग अलग जगह जॉब थी, सबने अलग अलग जगह जॉब करी, वो एक डिफरेंट मैटर है कि किसको कहाँ पे जॉब मिली। पर एक प्राउड भी होता है, आप किसी को बोलो ना कि एमएससी इन जियोलॉजी, तो आप जियोलॉजी जीएसआई में नहीं है फिर भी ना वो आपको साइंटिस्ट जैसा देखता है। तो ये बड़ा प्राउड लगता है, मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा हुआ कि हमने एमएससी कर ली जियोलॉजी से, एटलीस्ट लोगों के सामने इमेज बनी रहती है। तो अच्छा लगा ये जब ये मीट के लिए बुलाया गया, तो कुछ काम थे ऐसे कि आने का मन नहीं था या ऐसे लग रहा था कि क्या करेंगे जाकर के किसको पहचानते कितनों को नहीं। फिर अपने ग्रुप में इतने सारे लोग जुड़ते गए तो ये था कि टीचर्स को हम जान ही जाएंगे, इतने सारे लोगों से मुलाकात हो जाएगी। और घर में भी वाइफ और बच्चे कि पापा कैसे हो आप, नहीं जा रहे हो, कब मौका मिलेगा दोबारा जाने का। तो बस मैं चला आया और सच में बड़ा अच्छा लगा, अपने क्लास में जाकर के अच्छा लगा। तो बस मैं आप लोगों से यही कह रहा हूँ कि आप आगे एमएससी में जियोलॉजी के बाद कुछ जियोलॉजी में करते हैं तो अच्छा है, सो फार सो गुड, अदरवाइज किसी भी फील्ड में करें पर अच्छा करें। थैंक यू।